तो लोगों का हैशटैग होने लगा बीड़ू, जग्गू दादा को ढूंढने के लिए। बीड़ू जिंदगी में पहली बार किसको बोला था, याद है? आयशा को बोला था, वाइफ को बोला था, वाइफ को बीड़ू बोला था। Really? दोस्ती की बात ना, दोस्ती बीड़ू, दोस्ती शादी वादी की तो बात सही है, मगर बाकी क्या टिकता है वो दोस्ती टिकता है। जब लंबा खींचते ना लोग, जब लंबा चलता है, खींचता नहीं। तो दोस्त बन ही जाता है, दोस्ती सबसे पहला शादी में, बाकी सब बाद में आता है, जो आने वाली चीजें जो है। मगर क्या हुआ? तुम लोग ज्यादा ही समझते हो भाई लोग, बहुत शाना बन गए। अन्ना मेरे को बाहर बोल रहा था कि ऑडियंस में लड़कियां कितनी बैठी है, क्योंकि वो सिर्फ वो खाली दादा के लिए ताली बजा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ भी दादा जाते थे, हम लोग डांडे वांडे के लिए जाते थे, तो खूब सारी लड़कियां होती थी, तब तक हम लोग ऐसे बैठते थे, और जैसे हम लोग गेट पे सुनते थे कि जैकी दादा आ गए, तो हम वहां से निकल के दूसरी बिल्डिंग पहुंच जाते थे। दादा के होते चांस ही नहीं। लेकिन दादा आप आने से पहले दादा ने मुझे बताया कि अन्ना ब्रीच कैंडी और एरिया में जब चलते थे, इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ अन्ना के पास। बेशक बेशक गुरु, ये सब बहुत पहले की बात है। हाँ, करेक्शन करो नहीं तो बीवी मारेगी। माना माँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। इतना क्यूट, इतना प्यारा, ऐसे साधना जी कट नहीं, शर्मिला जी साधना कट। अरे शर्मिला जी नहीं, शर्मिला था। हाँ शर्मिला, शर्मिला साधना 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 कट, साधना कट, साधना कट। और वैसे लंबे बाल और अच्छे से अच्छा जीन्स इसी के पास होता था। हम लोग मरते थे, जीन्स मिलता नहीं था उस वक्त जैसा आजकल। मतलब जीन्स तो ऐसा बिक रहे है जैसे कि मालूम नहीं जो भी। नहीं नहीं, वाकई वहाँ जीन्स भी मिलता नहीं था, बहुत धड़पड़ होती थी। जब सेलर लोग आते थे तो हम लोग एक के डेविस करके दुकान था, वहाँ जाते थे।